सो गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं आ गया और एक नए एपिसोड के साथ पोकेमॉन एडवेंचर चैप्टर में। और चुप, बिल्कुल चुप, हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की। और पिछली बार हमने अपने सोनू को इवॉल्व किया था। हाँ, मेरा नाम सोनू ही था ना, मैं बहुत दिन से नहीं खेला है। ओके, हमने अपने सोनू को इवॉल्व किया था और देख के ये लग रहा है कि हमारा पिकाचू बहुत पीछे चल रहा है। तो मुझे लगता है हमें पिकाचू को थोड़ा सा लेवल देना चाहिए। और हाँ, और यहाँ के मैंने सारे ट्रेनर्स को हरा दिया था और हम जाने वाले थे माउंट मून में। तो मैं जल्दी से ज़रा हील करके आ जाऊँ। माउंट मून में जाके जाना है हमको इस बार। तो इससे मैंने बात की थी, सेट की होगी, ये तो नहीं रही है। ठीक है, मेरे पास सारा आइटम्स है। रिपेल तो एक ही है, रिपेल खरीद लेना चाहिए ना मेरे हिसाब से। मुझे फ्रेश वाटर है, फिर पैरालाइजील है, एंटीडोट है, पोशन है, फिर सुपर पोशन आए हो तो वेट अ सेकेंड, पहले मैं देख लूँ। ओके, ऑलमोस्ट 7000 है मेरे पास। तो मेरे हिसाब से सुपर पोशन तो नहीं है और रिवाइव तो मैं ख़रीद भी नहीं सकता और रिपेल मिले नहीं है, रिपेल नहीं है। तो कम से कम मैं 2 रिवाइव ख़रीद सकता हूँ। मेरी इतनी तो इस गेम में अब औकात है कि मैं ख़रीद पाऊँ, तो कोई बात नहीं। चलो अब चलते हैं, अब माउंट मून की तरफ जा रहे हैं हम लोग। तो चलो आज चलते हैं। ओ, ये क्या हो गया? ओ माय गॉड, ये क्या है? बाप रे, यहाँ तो गहरा दोस्त आ गया है। मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा, चल। गहरा दोस्त तो मिस्टी का एक पोकेमोन भी है ना। मुझे लगता है इस गेम में मिस्टी ने अभी तक गेरल्डोस के साथ मिलकर मेगा इवोल्यूशन को नहीं किया है। तो शायद हो सकता है कि गेरल्डोस से, हाँ गेरल्डोस से डरती भी तो है। नो, अब क्या होगा? यू स्टार, यू गेट टेक अवे, गेट अवे, इट्स गोइंग टू यूज हाइड्रो पंप। ओ माय गॉड, स्टार यू टेकिंग on a sweet big one, pretty big one, are not you? Hey, let me help. Stay back, this is dangerous. I will be fine. I am not just any kid and the name's is Red. Wow, kya style hai. No, you. ओके, तो सबसे पहली बात मैं ये देखना चाहता हूँ कि हम लोग इसे पकड़ सकते हैं कि नहीं। अच्छा, इसे हम पकड़ नहीं सकते, इसका मतलब अगर इसे आना होगा तो ये अपने आप आ जाएगा हमारे साथ। और इसने बहुत गलत मूव यूज़ कर लिया। सुपर नहीं, पोशंस तो कुछ नहीं होगा मेरे हिसाब से। हाँ, ओके ओके, नाइस नाइस नाइस, स्टोन एज। ओके ओके, क्या मैं वॉल टैकल इस्तेमाल करूँ? मेरे पास एक ही इलेक्ट्रिक टाइप मूव है, मैं क्या सोच रहा हूँ। 16 लेवल का है, चलो चलो। ओके, रिकॉइल से मर गया पिकाचू, कोई बात नहीं, हरा तो दिया। गो पोके बॉल। ओ हाँ, स्टोरी के हिसाब से पकड़ लिया। हियर्स द गहरा दोस्त, रेड गिव। पागल है क्या, इतना स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन, मतलब Phew, thanks a lot, man. I did not expect to see a wild Gyarados here of all places. Gyarados is a water Pokemon. It's not supposed to live in place like this. That Gyarados was not a wild Pokemon. It's mine. What? तो अच्छा है मैंने इसे दे दिया।
इट वाज राइजिंग इट अंटिल इट वाज स्टोलन बाय समवन लास्ट वीक। ओ ऐसी बात है। व्हेन आई कम बैक इट वाज नॉट वाजेंट इट वाजेंट द नाइस गैराडोस दैट आई नो। आई फॉलोड इट टेल टू ऑफ डेस्टिनेशन टू रूट फोर। एनी वे थैंक्स टू यू यू समथिंग सम एवरीथिंग इज गुड नाउ। नो इट्स नॉट इट्स नेवर ओके व्हेन ए पोकेमॉन गोज ब्रेक्स। दोज गाइज हु स्टोल योर गैरा दोस्त मस्ट हैव डन इट। आई एम गोइंग टू किक देयर बट्स। बापड़ी जोश देख रहा है। वेयर डू यू थिंक दे आर गोइंग। वेयर डू यू थिंक आई एम गोइंग टू किक दोज गाइज बट्स। हाँ वेयर आर दे। इफ आई नो वाजेंट उदेंट यू थिंक आई विल बी देयर राइट नाउ। मे बी प्रोफेसर ओक नो समथिंग। मे बी आई शुड आस्क हिम। वेल इफ यू वॉन्ट टू यूज द फोन दे आर वन इन द पोकेमोन सेंटर। चैप्टर सिक्स माउंट मून। अच्छा तो यहाँ क्या है। आई शुड कॉल प्रोफेसर ओक यूजिंग द टेलीफोन इन द। ओके ओके मतलब हम लोग यहाँ नहीं जा सकते। यहाँ भी नहीं जा सकते यहाँ तो कट है। अच्छा हाँ यहाँ एक वो होता है ना। वट वुड तो टूल टेक टोक यू सो लॉन्ग एनी वे। देयर्स ए टेलीफोन इन दिस पोकेमोन सेंटर। फॉलो मी। हाँ हम थोड़ा एक्सप्लोर करने बैठ गए थे। ओके ओके चलो ओके। हाँ हाँ प्रोफेसर ओक इट्स ओनली बीन ए फ्यू डेज। दैट्स प्रोफेसर ओक दिस ही इज द वर्ल्ड लीडिंग एक्सपेक्ट ऑन पोकेमोन। अमेजिंग। एनी क्लोजर इन कंप्लीटिंग पोकेडेक्स रेड। श्योर एम आई हैव ऑलरेडी टोक्ड सम न्यू डाटा। टोक्ड सम न्यू डाटा ए गेराडोस एंड ए पिकाचू। गुड जॉब रेड। हाँ तो गेराडोस पकड़ा है पिकाचू पकड़ा है। हाँ पर बहुत कम है वैसे भी। ओ बाय द वे प्रोफेसर आई नीड टू आस्क यू समथिंग। व्हाट ए गेराडोस ऑन रूट फोर स्टोलेन। व्हाट वेंट ऑन ए रैम्पेज। हाँ एक्सट्रैक्टिंग। ओके सो द पोकेमोन रिफ्यूज टू टेल लिसन टू हिज ओनर इट्स ओनर ट्रेनर आफ्टर ओनली अ फ्यू डेज। साउंड्स लाइक द जॉब ऑफ टीम रॉकेट। टीम रॉकेट। यस दे आर ए सीक्रेट क्राइम सब्सटेंस दैट यूज पोकेमोन फॉर देयर ओन ईविल पर्पोजेस। पर्पेजेस रेमर्स इट्स ए हैबिट दैट दे हैव बीन डूइंग लैब एक्सपेरिमेंट्स ऑन पोकेमोन। लैब एक्सपेरिमेंट ऑन पोकेमोन। आई नो इट्स वेरी अपसेटिंग बट देयर इज समथिंग डू यू कैन डू टू हेल्प। लाइक वट इन माउंट मून देयर स्पेशल रॉक कॉल द मून स्टोन। इट इज वेरी बिलीव दैट द स्टोन जॉइंट स्पेशल पावर्स टू पोकेमोन। इट इफ दैट्स ट्रू देन देयर्स नो डाउट दैट टीम रॉकेट इज ऑल्सो लुकिंग फॉर द स्टोन। ओ
सी यू लेटर प्रोफेसर ओक। अच्छा मतलब टीम रॉकेट अभी माउंट मून में होगी तो। और हाँ थोड़ी बहुत मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी गड़बड़ होगी उसके लिए सॉरी, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। मैं सोच रहा हूँ सब डायलॉग्स को हिंदी डब करूँ क्योंकि ज़्यादातर वो अच्छा होता है, समझ भी पाओगे तुम लोग। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ उसको डायरेक्ट करने के लिए, तो इसलिए कुछ दिन की बात है शायद नई सीरीज में हम लोग करें, मतलब रेड पोकेमॉन फायर रेड को कंप्लीट करने के बाद डब करके हो सकता है। अगर मैं करूँगा तो टाइटल में लिखा ही होगा या थंबनेल में। वो सुन होगा तो सब्सक्राइब करके रखना और लाइक भी कर देना, ये देखो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना ताकि अगर मैं कोई वीडियो डालूँ तो तुम्हें पता चल जाए और तुम वो डब्ड वीडियो मिस ना करो। हेलो जोन जोन, इट्स द नेम, ये क्या नाम हुआ भैया? एंड हैव आई टॉक सम स्पेशल डील फॉर यू, इट्स फिबर फॉर फ्रॉम द व्हेन रीजन यू वांट इट, दैट्स डोंट यू, इट्स कॉस्ट यू। बाप रे, अगर मुझे चाहिए, मेरे हिसाब से ये माइलोटिक पे बदलता है ना, मैं इतना तो नहीं जानता, अगर तुम्हें पता है तो कमेंट ज़रूर करना प्लीज़। और ये मैं कमेंट करवाने के लिए नहीं बोल रहा, मैं खुद सच में जानना चाहता हूँ। तो इसको ना क्विज करके समझ लो, इसको क्विज समझ लो कि ये किस पोकेमोन में इवॉल्व होता है, ये पोकेमोन जिसका इसने अभी नाम लिया वो किस पोकेमोन में इवॉल्व होता है। तो मुझे तो पता नहीं है क्योंकि मैंने इतना तो मैं इतना भी नहीं हूँ ज़्यादा पोकेमोन्स के बारे में, इतना भी ज़्यादा नहीं जानता, तो मुझे तो नाम भी बहुत सारे नहीं पता है। तो अगर तुम पता हो तो ज़रूर बताना, लेकिन अगर मेरे हिसाब से तो ये शायद माइलोटिक में इवॉल्व होता है, लेकिन बताना ज़रूर कमेंट में। ऐसे लिख देना यस वो माइलोटिक में इवॉल्व होता है या कुछ भी, लेकिन मैं शायद ले भी लेता, माइलोटिक एक अच्छा पोकेमोन है, पर नहीं नो थैंक्स क्योंकि मेरे पास उतने पैसे ही नहीं है। हैव यू हर्ड रूमर ऑफ डेलियस न्यू डेट? ओह माय गॉड, ही हैज कटिंग हर सेल्फ आउट ऑफ द मार्केट अगेन। आई नो आई वॉज जस्ट एज सरप्राइज एज यू आर, एंड है Years I thought he will be faithful to Peter. डेलिया 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 डेलिया, ये डेलिया एस की मोम का नाम है क्या? मेरे हिसाब से तो एस की मोम का नाम है। अच्छा, वेलकम टू आवर पोकेमोन सेंटर। सबसे अच्छी बात मुझे यहाँ आके क्या पता लगती है पता है, कि नर्स जॉय के बगल में चैन सी खड़ी है, कोई मात वाला नहीं। सच में मैं उसका मुंह तोड़ देता और मात वाले का कसम से। बाप रे, जादूगर है का, कहाँ से आ जाती है ये? What is it? I am going with you. What? Don't you get me wrong. I need to go through Mount Moon. And anyway, I talk back home, and I might be able to take some information about the steam rocket. वट वेट, वट बोल दिया मैंने, वेट, यू आर नॉट, आई विल बी ओके, आई एम ए पोकेमोन, आई एम वाटर पोकेमोन स्पेशलिस्ट, द
द नेम्स मिस्टी द फ्लावर ऑफ सेलुलियन सिटी नाउ लेट्स गो, मतलब ये जिम दर भी है ना, वो समबडी इज देयर, ओ वही क्रीपी साउंड म्यूजिक फिर से, वेट अ मिनट, दोज यूनिफॉर्म दे आर द सेम वन वर्न बाय द गाइज बैक इन प्यूटर फॉरेस्ट पैलेट फॉरेस्ट भी है क्या? अच्छा वो वाला, अच्छा हाँ जामियो मिला था, हाँ याद है याद है, वैसे वो वीडियो में सबसे ज़्यादा व्यू है, सो कोई बात नहीं, दिस इज दैट टीम रॉकेट, आई थिंक सो, दे दिस जंक्स आर एवरीवेयर, ओ इंफॉर्मेशन, दिस टू फाउंड द माउंट मून क्विक इनटू द केव, ओके ओके ओके, ये तो चलेगा अंदर, हमें भी जाना चाहिए, पर यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ हम जा सकते थे पर वहाँ से उतरने का जगह बंद है, सो क्या ये, सो गाइस हम आ गए हैं माउंट मून में, और मुझे लगता है मैं यहाँ अगर बैटल्स बहुत ज़्यादा हुई तो मैं स्किप कर दूँगा, पर इस बैटल को मैं दिखाने वाला हूँ, क्योंकि पता नहीं मैंने कहा, चलो पहला बैटल दिखा देते हैं ऐसे, चलो इसको थोड़ी सी तो एक्सपी मिल जाएगी, मेरा सोने से संभाल लेगा कि वो फ्रिकन इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन है पैथल स्टॉर्म, चलो देखते हैं नया मूव इस्तेमाल करके, अरे तो मिस हो गया, कितना डबल टीम करेगा यार, मिस हो रहा है, अरे यार पैरालाइज कर दिया, अच्छा मेरे पास पैरालाइज हील है यार, ये मिस होते जा रहा है, ये बहुत गलत बात है, अरे यार ये तो मिस हो जा रहा है, ये तो लग रहा है पूरे बैटल में तो यही करते रहेगी, मैं तो एक भी वो नहीं कर पाऊँगा तब तो, अटैक ओके फाइनली, देख रहे हो क्या डैमेज पड़ रहा है, सही किया ना मैंने वेदर लीफ को हटा के बोलता हूँ मैं, ओके हीलिंग हील पैरालाइज, ये मेरे पास एक ही है वो बचा है, मतलब अभी यार ये तो बहुत गलत हो जाएगा, चलो हील हो गया, अरे नहीं चलो, मेरे पास एक्सपी शेयर है, मुझे क्यों लग रहा है मुझे मिला होगा कहीं शायद, या मुझे आगे मिलने वाला है, एक्सपी शेयर नहीं है, चलो कोई बात नहीं, के चलो ओह जूबैथ, अच्छे खासे तो मिल रहे हैं यहाँ पे, इन्हें हरा के पिकाचू लेवल अप हो सकता है, कोई बात नहीं ठीक है लेवल 17, ओके गाइस अब इसके बाद की सारी बैटल्स मैं स्किप करने वाला हूँ, माय नेम इज ईथन, आई स्पेशलाइज़ इन एक्सप्लोजन, सो गाइस जैसे कि मैंने कहा था मैं स्किप कर दूंगा और मैंने कर दिया, जैसे कि मैंने अभी किया मैं वैसे ही सारी बैटल स्किप करने वाला हूँ, सो इसे हटने में टाइम तो नहीं लगा, मुझे लगता है इसे 10 सेकंड भी नहीं लगा होगा हटाने में, इसने क्या भेजा था यार मैं भूल गया यार, क्या टेंशन है, इसने सोनू फेंट करवा दिया मैं भूल गया, इसने मेरे हिसाब से ट्रिक माइनेट नहीं, वो तो क्या पोकेमोन का नाम है जो मैग्नेट की तरह तू है ना, इलेक्ट्रोड और
इसने एक तो बोल तो भेजा था, वो तो दूसरी बार में भेजा था। उसने एक्सप्लोजन करके खुद को ही मार लिया, और फिर दूसरे वाले ने भी एक्सप्लोजन करके, पहले वाले ने भी एक्सप्लोजन करके खुद को ही मार लिया। और मैं तो एकदम परेशान ही हो गया, तो सीधा वाइप अप कर दिया। ओके, यहाँ हम बाद में जाएंगे, पहले ऊपर देख लेते हैं। ओह, जियो दूध। ये क्या, मुझे जियो दूध की ज़रूरत है, क्योंकि मैं एक जियो दूध पकड़ना जरूर चाहूँगा। ओह सॉरी 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 सॉरी, गलत 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 मूव, गलत मूव, गलत मूव। अब इससे हराने बैठा तो हार ही जाएगा ये। टेक डाउन टेक डाउन टेक डाउन। ओके ठीक था, रुको मैं सोच रहा हूँ इसे पकड़ो मैं इसे, रुको कम हेल्थ कर। इसने तो जियो दूध पकड़ नहीं पाया आप, क्योंकि वो फेंट हो गया। चलो कोई बात नहीं, मैं ज़रा हील कर लूँ। मुझे नहीं लगता मैं ये केव आज ख़त्म कर पाऊँगा, तो ओके मेरे एक पुकोन फेंटेड भी है, तो मैं तो हील करके आ रहा हूँ। ओ लॉल, मैंने बस रिकॉर्डिंग स्टार्ट ही की, हील करके आया और ये बंदे ने मुझे देख लिया। और वैसे भी मैं ये बैटल स्किप करने वाला हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है। सो गाइस, मैंने इसको हरा दिया और मेरे पिकाचू ने डबल टीम सीख लिया है। सो मैं तो फिर से जा रहा हूँ हील करने, मैं थक गया। सो गाइस, मैं ये बोल रहा था, मैं तो थक गया हूँ बार बार जाके पोकेमोन सेंटर। ओ फिर से नहीं, चलो इसके पास तो एक ही पोकेमोन था। मैं क्या कहूँ, ओके क्या है, एस्केप रूक। ओके चलो कोई बात नहीं, हम ज़्यादा फंस जाएंगे तो। गाइस अब मेरी बात सुनो, मैं जानता हूँ ये वीडियो बहुत लेट भी आ रही है और बहुत छोटी भी आ रही है, पर उसका बहुत सारे रीज़न है, और उसमें से एक रीज़न ये भी था कि मेरी तबीयत ख़राब थी। ओह ये पोकेमॉन्स। सो कोई बात नहीं, अगला वीडियो आएगा, रेगुलर ही होगा मेरे हिसाब से। आज सैटरडे है, तो ये वीडियो तो संडे को आएगी, मैं एक दिन पहले इसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है। तो फिर आपको पता ही है मैं वीडियो कब अपलोड करता हूँ, तो अब शायद मेरे वीडियोस रेगुलर हो, पता नहीं, मैं एक दो दिन में नहीं भी हो सकते हैं, तो कोई बात नहीं। मैं अब ट्राई करूँगा कि मैं रोज़ वीडियोस लाऊँ, रोज़ मतलब अपलोडिंग डेज पे वीडियोस लाऊँ। तो उसके लिए तो वीडियो छोटी है और देर से आई, इसके लिए मुझे माफ़ कर देना। और अगर तुम चैनल पे तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, लीव ए लाइक, और कमेंट कर देना वीडियो कैसी लगी। और हाँ, पोके क्विज का आंसर ज़रूर देना कि क्या फ्री, तुम स्किप करके देख लो, मैं भूल गया उसका नाम, तो क्या वो पोकेमोन माइलो, मैं तुम उसे जाके पॉज करके वो नाम पढ़ के तुम मुझे बताना। और हाँ, गूगल से मत देखना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम लोग एकदम अपना दिमाग यूज़ करके, मतलब दिमाग मतलब अब खुद से बताओ, कि मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कितने बड़े पोकेमोन फैन हो। मुझे ज़रूर बताना वो कौन से पोकेमोन में इवॉल्व होता है, और शेयर कर देना वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, ताकि मैं जब भी अपनी नए वीडियो अपलोड करूँ तो तुम्हें नोटिफिकेशन मिल जाए। और बेल आइकन भी दबा देना, ऑल पे करना उसे दबा के, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो तुम्हें नोटिफिकेशन मिल जाए। और हाँ, मैं जल्दी ट्राई करूँगा कि मैं धीरे धीरे इसे दब करना स्टार्ट करूँ, जो वो बोलते हैं। सो मैं मिलता हूँ तुम लोग को अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।